एनसीसी न्यू भर्ती परीक्षा 2023 ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर 7 तो टोटल 40 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन में आपको 10 सेकंड का टाइम मिलेगा, क्लास पूरा कीजिएगा। जो लोग नए हैं या फिर अभी तक तेजस एनसीसी में ऐप डाउनलोड नहीं किया तो आप लोग प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पर 37 सब्जेक्टिव मॉडल पेपर है, आप लोग सारे याद करेंगे, उसी में से आता है ऑलमोस्ट क्वेश्चन। ऑल इंडिया में पूछे गए सारे क्वेश्चन हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, कॉमेंट किया था आज भी एक बंदे ने, कोई शायद गर्ल स्टूडेंट थी, कि सर मैंने आपके 10-15 वीडियोस देखे और एग्जाम में कम क्वेश्चन आए। तो आप वीडियोस में देखोगे, वीडियोस में सारे 37 मॉडल पेपर के क्वेश्चन आंसर्स नहीं अवेलेबल है। वीडियोस में हो सकता है क्वेश्चन रिपीट भी हो, तो आप 37 मॉडल पेपर याद करो ना। दो वीडियो देख के जाते हो फिर बोलते हो क्वेश्चन नहीं आया। सारे क्वेश्चन आपको याद करने, 1500 से 1700 क्वेश्चन मैंने ओरिजिनल बताए हैं जो अभी तक एग्जाम में पूछे हैं। जिनको PDF लेना है इस वेबसाइट पर मिलेगा। कंपटीशन गर्ल्स वर्सेज बॉयज, विनर कौन होता है, चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। सभी को जय हिंद। जो लोग नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। फर्स्ट क्वेश्चन है, एनसीसी में स्टूडेंट्स को क्या कहते हैं, स्टूडेंट्स, सोल्जर्स, मिलिटेंट्स, कैडेट्स। 10 सेकंड का मात्र आपको टाइम मिलेगा, एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा जो आपका टाइम इधर चल रहा है। क्लास पूरा करना, ठीक है, पूरे 40 क्वेश्चन। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, कैडेट्स बुलाते हैं। अभी आप स्टूडेंट्स हो, एनसीसी ज्वाइन कर लोगे तो आपको कैडेट्स बुलाया जाएगा। सेकंड, एनसीसी की स्थापना कब हुई, 16 अप्रैल 1948 को, 16 जुलाई 1948 को, 15 जुलाई 1948 को, 15 अप्रैल 1948 को। क्या होगा, व्हेन वाज एनसीसी एस्टेब्लिश्ड। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 16 जुलाई 1948 को। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एनसीसी का फुल फॉर्म लिखो, नेशनल क्रेडिट कोर, नेशनल कैडेट कोर, नेशनल कैडेट कोर, नॉन कैडेट कोर। बस आप लोग थोड़े से बचे हो, 10%, बाकी सब जगह भर्ती होगी ऑल इंडिया में। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, नेशनल कैडेट कोर। क्वेश्चन नंबर फोर, भारत में सबसे बड़ा विधानसभा कौन सा है, बिहार का, राजस्थान का, उत्तर प्रदेश का, पश्चिम बंगाल का। भारत में सबसे बड़ा विधानसभा कौन सा है, और लास्ट में आप लोग कमेंट करके बताना 40 में कितना सही किया। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश का। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, भारत के मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को, मौलाना अबुल कलाम आजाद को, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। विच पर्सन इज नोन एज द नेम ऑफ मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। क्या होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत बार पूछता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, जयपुर। मतलब सबसे ज़्यादा लोग भारत के किस शहर में रहते हैं, ध्यान देना। एक क्वेश्चन पूछता है सबसे बड़ा राज्य, तो वो अलग क्वेश्चन हो, एरिया में पूछता है, ये जनसंख्या में पूछा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, मुंबई। क्वेश्चन नंबर सेवन, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, बछेंद्री पाल, कल्पना चावला, PV सिंधु, इंदिरा गांधी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, क्या होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, बछेंद्री पाल। क्वेश्चन नंबर एट, क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। टोटल 40 क्वेश्चन है, पूरा क्लास करना, लास्ट में कमेंट करके बताना कमेंट में कि कितना सही किया। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर नाइन, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हरा रंग क्या दर्शाता है, शक्ति और साहस को, बलिदान को, विकास और उर्वरता को, शांति और सत्य को। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हरा रंग क्या दर्शाता है, सबका सही होना चाहिए, झंडे से रिलेटेड क्वेश्चन। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, विकास और उर्वरता को। क्वेश्चन नंबर 10, BSF का फुल फॉर्म लिखे, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फायर, बेस्ट सिक्योरिटी फोर्स, बॉर्डर सिक्योर फोर्स। फुल फॉर्म ऑफ BSF,
स्पेलिंग ध्यान देना नहीं तो फंसोगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। क्वेश्चन नंबर 11, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की, अयोध्या का राम मंदिर, हरिद्वार का शिव मंदिर, हिमाचल प्रदेश का हनुमान मंदिर। विच इज द लार्जेस्ट स्टैचू ऑफ इंडिया? क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जिसे हम लोग स्टैचू ऑफ यूनिटी भी कहते हैं। 12, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितनी तीलियां हैं? 23, 24, 25 या 26। अपना जो तिरंगा झंडा के चक्र में जो लाइनिंग होता है उसको तीलियां बोलते हैं, कितनी तीलियां हैं? सबका सही होना चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 24। 13, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफेद पट्टी किस बात का संकेत है? शक्ति और साहस का, बलिदान का, विकास और उर्वरता का, शांति और सत्य का। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफेद पट्टी किस बात का संकेत है? क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी शांति और सत्य का। 14, पत्ते हरा क्यों होते हैं? हीमोग्लोबिन के कारण, क्लोरोफिल के कारण, धूप के कारण, पानी के कारण। मतलब पेड़ की पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? सारे आपके एनसीसी भर्ती में पूछे गए क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी क्लोरोफिल के कारण। 15, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? 20 जुलाई 1947 को, 18 जून 1947 को, 22 जून 1948 को, 22 जुलाई 1947 को। अगर आप सोचेंगे कि 10 क्वेश्चन पढ़ो, 10 मॉडल पेपर सिलेक्शन मतलब पढ़ाए गए उसी में से क्वेश्चन आ जाए, मुश्किल है। 37.5 मॉडल पेपर ऊपर से जो मैंने ग्रुप में भी सेंड करते रहता हूँ, अभी और नए क्वेश्चन मिले हैं, कल ओरिजिनल पेपर मिला है उसका मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 22 जुलाई 1947 को। 16, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, यमुना नदी। विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया? क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी गंगा नदी। 17, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? चिनारी नासरी सुरंग, पीर पंजाल सुरंग, जवाहर सुरंग, रोहतांग सुरंग। ध्यान दे, अगर पूछेगा वही रेलवे सुरंग, सबसे लंबी रेलवे सुरंग, तो T-49 रेलवे सुरंग है, ध्यान रखना, नया अपडेट हो गया है, क्लास में 10 बार बता भी चुका हूँ। करेक्ट आंसर होगा चिनारी नासरी सुरंग, जो कि 9.28 किलोमीटर है। ऑप्शन ए वाले सही है। 18, पाटलिपुत्र नगर किसने बसाया था? अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, अजातशत्रु ने, अकबर ने। हु एस्टेब्लिश्ड पाटलिपुत्र सिटी? क्या होगा? पाटलिपुत्र नगर किसने बसाया था? ऑप्शन सी होगा अजातशत्रु ने। क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? 2:3, 3:1, 2:1, 3:2। क्या होगा करेक्ट आंसर? जल्दी से बताएंगे सभी लोग। तिरंगे झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात यानी रेशियो पूछ रहा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 3:2। 20, एनएसजी का फुल फॉर्म लिखें। नॉन सिक्योरिटी गार्ड, नेशनल सिक्योरिटी गारंटी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, नेशनल सुप्रीम गार्ड। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनएसजी? क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। 21, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? सीराज गोपालाचारी, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कर्जन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ध्यान दीजिएगा, आजाद भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछा है, भारतीय नहीं पूछा है, एक क्वेश्चन पूछा है स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, उसका अलग आंसर है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट 22, भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र।
क्या होगा? सबसे अधिक पॉपुलेशन किस राज्य की है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश की। टोटल भारत की जनसंख्या का 16% अकेले यूपी में लोग रहते हैं। 23 भारत के विदेश मंत्री कौन है? सुषमा स्वराज, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, सलमान खुर्शीद, प्रणब मुखर्जी। हु इज द प्रेजेंट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया? 23 का क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। 24 भारत में कितने राज्य हैं? 29, 30, 27 या 28? व्हाट आर द नंबर ऑफ स्टेट ओवरऑल इंडिया? ये सब करंट अफेयर्स है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। आपको राज्य का मंत्रिमंडल और सेंटर का मंत्रिमंडल देश का याद होना चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 28 और करंट अफेयर्स भी। 25 टोक्यो ओलंपिक 2021 में गोल्ड मेडल लेने वाले भारतीय खिलाड़ी का नाम लिखिए। सुशील कुमार, अभिनव बिंद्रा, नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु। 2021 ओलंपिक में भारत ने किस खिलाड़ी को गोल्ड मेडल मिला था? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सबका सही होना चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी नीरज चोपड़ा। 26 IIT का फुल फॉर्म लिखें। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेलीकॉम। फुल फॉर्म ऑफ IIT क्या होगा? स्पेलिंग याद होना चाहिए तभी सही बता पाओगे, नहीं तो गलत। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। 27 सिखों के 10वें गुरु का नाम बताएं। महावीर, गौतम बुद्ध, गुरु गोविंद सिंह जी, भगत सिंह। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? क्या होगा करेक्ट आंसर? सभी लोग जल्दी से बताएंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह। 28 मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, सम्राट अशोक, रानी लक्ष्मीबाई। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? सब सिंपल क्वेश्चन ही है, क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी छत्रपति शिवाजी महाराज। 29 रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? बाबर की, हुमायूं की, सिकंदर की, इल्तुतमिश की। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? क्या होगा 29 का? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इल्तुतमिश की। क्वेश्चन नंबर 30 तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? बाबर और अकबर, हेमू और अकबर, पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी और चंदरबाई। नाम ध्यान देना, बहुत डिफिकल्ट नाम। क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन सी पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच। 31 सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? नीम व ब्रह्मा की, पीपल व शिव की, बेलपत्र व शालिग्राम की, धतुरा व सूर्य की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? क्या होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी पीपल व शिव की। 32 रामायण किसने लिखी है? महर्षि वेदव्यास ने, महर्षि कवि ऋषि ने, महर्षि वाल्मीकि ने, देवर्षि नारद ने। हु रोड रामायण, सारे आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन, तो डेली आपकी क्लास ऐसे ही चलेगी। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी महर्षि वाल्मीकि ने। 33 2021 टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता? बैडमिंटन में, जेवलिन थ्रो में, हॉकी में, टेनिस में। 2021 टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता? सिंपल क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी जेवलिन थ्रो में, जिसको भाला फेंक भी बोलते हैं। 34 भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया था? 5 जुलाई 1916 को 5 जून 1916 को 5 जुलाई 1911 को 5 जून 1917 को। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया था?
क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 5 जुलाई 1916 को। 35 सर्वश्रेष्ठ शांति पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र, नोबेल शांति पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, अशोक चक्र। सबसे बड़ा शांति के लिए दिया जाने वाला अवार्ड कौन सा है? एक पूछता है लड़ाई के दौरान सबसे बड़ा शांति के लिए अवार्ड। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी नोबेल शांति पुरस्कार। 36 अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? हिमालय में, उत्तराखंड में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में। लास्ट में कमेंट करके बताना 40 में कितना सही किया, विनर कौन है? सबका 40 में 40 होना चाहिए, तब जाके आपकी तैयारी अच्छी है। करेक्ट आंसर अजंता एलोरा गुफा है महाराष्ट्र में, सी वाले सही है। 37 100 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर रहता है? गवर्नर का, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का, वित्त मंत्री का, राष्ट्रपति का। 100 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर रहता है, क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का। 38 हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को, 14 अक्टूबर को, 14 सितंबर को, 5 अक्टूबर को। ऑन विच डेट वी सेलिब्रेट हिंदी डे? अभी थोड़े दिन पहले हिंदी दिवस हम लोगों ने क्लास में भी सबको विश किया था एक दूसरे को। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 14 सितंबर को। 39 नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले एशियाई व्यक्ति का नाम लिखो। रविंद्रनाथ ठाकुर, रविंद्रनाथ टैगोर, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, कैलाश सत्यार्थी। एशिया का पहले व्यक्ति जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो शांति के लिए दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर जी। लास्ट 40 क्वेश्चन स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? विराट कोहली को, रोहित शर्मा को, युवराज सिंह को, महेंद्र सिंह धोनी को। 10 सेकेंड आपको एक क्वेश्चन पर दिया जाता है, तो लिमिट टाइम में जो बताएंगे वही परफेक्ट है। कितना सही किया लास्ट में बताना, जो लोग नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन है विराट कोहली को। विनर कौन कौन है 40 में 40 जिनका भी सही, आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। बाकी लोग भी कमेंट करें कितना सही किया। होमवर्क डेली अभी क्लास 8:05 में होगी, कल मॉडल पेपर 8 होगा। पढ़ेंगे आप कहाँ से, तो प्ले स्टोर से तेजस इंसर्मी ऐप डाउनलोड कर लेंगे। 37 सब्जेक्टिव मॉडल पेपर है सारे याद करना, PDF इस वेबसाइट में मिलेगा। उसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप इंस्टाडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेंगे आप। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। सभी को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।